हाय गाइस मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल माय ऑथेंटिक स्टाइल में और हरियाली तीज आने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ है और मेकअप लुक के साथ साथ मैंने आउटफिट भी दिखाया है कि आप कैसे आउटफिट स्टाइल कर सकते हो कैसे कैसे स्टाइल कर सकते हो तो चलिए फिर देखते हैं कैसे मैंने किया है फेस को मेकअप प्रेप करने के लिए मैंने पहले फेस वॉश कर लिया था और उसके बाद लॉरियल रिवाइटल क्रिस्टल माइक्रो एसेंस लगाया है और इसको जस्ट ऐसे पाम पे तीन चार ड्रॉप जितना लेके अच्छे से ऐसे डैप डैप करते हुए मैंने लगाया इसको बिल्कुल रब नहीं करना है इसको बस ऐसे पैट डैप पै, डैप करते हुए लगाना है और ये जो है हमारे स्किन को बहुत ही रेडिएंट और नरिशमेंट देता है और जो भी हम मेकअप लगाएंगे उसका टेक्सचर एकदम स्मूथ और फाइन आता है और ये फाइन लाइन और रिंकल्स से भी प्रिवेंशन देता है फेस वैसे ही मतलब ड्राई होने देना है और उसके बाद मैंने लॉरेल रिवाइटल क्रिस्टल जेल क्रीम लिया है और उसको लगाया है पूरे फेस पे अच्छे से ये एक तो हमारे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा और जो भी मतलब पोर्स है उसको मिनिमाइज कर देता है और दूसरा ये वाटर बेस है तो बिल्कुल भी चिपचिपाहट और ऑयलीनेस नहीं आएगी मेकअप के टाइम और मेकअप अच्छे से ग्लाइड करेगा तो मेकअप से पहले स्किन केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है देन मैंने फिट फिटमी मैट पोरलेस प्राइमर यूज़ किया है और इसको अच्छे से अपने जो भी मतलब पोर्स है और वैसे पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है तो ये जो प्राइमर होता है वो हमारे जो भी मतलब पोर्स है उसको मिनिमाइज़ कर देगा और जो मेकअप होता है उसको अच्छे से मतलब स्टिक करके रखता है और ज़्यादा देर तक इसकी वजह से टिकते हैं और ये पोरलेस वाला जो प्राइमर है वो बहुत ही अच्छा है और ये मैट फिनिश देता है तो अभी जो यूमिट का मतलब मौसम है तो उसमें ये बहुत ही अप्रोप्रिएट रहता है प्राइमर लगाए तो अपने जो भी लाइंस है फेस पे जैसे लाफ लाइन है और आईज के नीचे लाइंस होती है वहाँ पे अच्छे से लगाना है तो मेकअप में जो भी मतलब लाइंस नहीं पड़ेगी और अच्छे से मेकअप बिल्कुल सेट होके रहेगा क्राइलॉन का कलर करेक्टर लेके मैंने जो अपने आईज के नीचे थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट्स uh, है अंडर मतलब डार्क सर्कल है और फेस पे जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे आप ये ऑरेंज कलर के जो कलर करेक्टर है उससे आ, फिंगर टिप्स से ही ऐसे लगा के डैप करते हुए आ, लगा सकते हैं इससे जो भी आपके ब्लैक मार्क्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाद में एक स्मूथ फिनिश आएगा पूरा मेकअप का देन मैंने लॉरियल का ही परफेक्ट मैच कंसीलर लेके अपने अंडर आईज में मतलब आईज के दोनों कॉर्नर्स पे और अपर आई पे अच्छे से लगा लिया है ताकि जो भी मतलब हम आई शेडो करेंगे वो आ, अच्छे से मतलब डिफाइन हो के दिखे और अच्छे से उभर के आए और जो थोड़ी बहुत ब्लैक नेस हो या कुछ भी हो वो कैंसिल आउट हो जाए और अच्छे से दिखे इसलिए मैंने कंसीलर लगाया है फाउंडेशन में मैंने लॉरियल परफेक्ट लॉरल सुपर स्टे फाउंडेशन जिसमें मेरा शेड नंबर वन ट्वेंटी एट है वो लिया है और जैसा नाम वैसे ही काम है सुपर स्टे है तो मतलब ये काफ़ी देर तक स्टे कर जाता है और अभी जैसे थोड़ा सा यूमिट वाला और गर्मी वाला मौसम है तो उसमें ये बहुत ही अप्रोप्रिएट रहता है और इसका जो कवरेज है वो भी बहुत अच्छी कवरेज है इसी तरह से मैंने डॉट डॉट करते हुए पूरे फेस पे uh, लगाया है और उसके बाद मैंने पहले uh, ब्रश से इसको थोड़ा सा ब्लेंड किया और उसके बाद मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से डैम डैप करते हुए पूरे फेस पे अच्छे से बेस को सेट किया हुआ है यहाँ पे मैंने इस क्लिप को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है तो आप जब भी करें तो अच्छे से मतलब टाइम लगा के ब्लेंड करें और अपने नेक को और अपने ईयर्स को बिल्कुल भी ना भूलें वहाँ पर भी अच्छे से एक आध मतलब ब्रश या एक आध जो वो है वो लगा लिया करें तो उससे जो आपका मतलब टोन है वो इवन टोन लगे और बिल्कुल अन ईवन ना लगे तो मैंने मेबलिन फिटमी के जो लूज पाउडर है उससे अपना जो बेस है उसको अच्छे से सेट कर से लिया है क्योंकि अभी थोड़ा सा स्वेटिंग मतलब हो जाती है तो अगर आप अच्छे से लूज पाउडर से सेट कर लेंगे और इस तरह से जो अपने फाइन लाइंस है या फिर जैसे लाफ लाइन है वहाँ पे अच्छे से ऐसे मंकी फेस बना के और आइस के नीचे भी अच्छे से लगा मतलब पाउडर से सेट कर लेना है ताकि जो आपका बेस है वो अच्छे से सेट रहे देन मैंने मेबलिन uh, का लास्टिंग फिक्स स्प्रे जो कि मतलब मेकअप फिक्सर्स होता है उससे थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर पे लेके ऐसे पूरे फेस पे अच्छे से डैब कर लिया है ताकि जो आपका मेकअप पे है वो अभी यूमिट वाले मौसम में और स्वेटिंग वाले मौसम में काफ़ी देर तक ऐसे ही सेट रहता है तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ आई मेकअप में आई के लिए मैंने ये मिबलिन की न्यूड वाली पैलेट ली है और इसमें से ये जो लाइट वाला ब्राउन कलर है वो मैंने क्रीज लाइन में एज अ ट्रांजिशन शेड सेट uh, किया है और ये वाली जो क्लिप है वो थोड़ी सी मैंने न, मतलब ब्लेंड ब्लेंडिंग में मैंने अच्छे से टाइम लगाया है लेकिन ये वाली क्लिप मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है देन मैंने यहाँ पे निक्स की ये कलर पैलेट ली आई शेड कलर पैलेट ली है और इसमें से ये लाइट ग्रीन जो पैलेट ग्रीन टाइप का शेड है वो पिक किया है डायरेक्ट और उसी को मैंने अपने uh, जो क्रीज लाइन है वहाँ से इस तरह से मैंने ब्लेंड किया हुआ है जो मेरी साड़ी का कलर है वो लाइट ग्रीन कलर है तो मैंने वही कलर लिया है और यहाँ पे जो मेरी क्लिप है वो फास्ट फॉरवर्ड है लेकिन आपको अच्छे से ब्लेंड करना है और ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम देके अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से करोगे तो आपके आई शेड बहुत ही अच्छे से दिखेंगे देन उसी पैलेट के जो पर्पल कलर है उसको मैंने थोड़ा सा अपने जो इनर आउटर कॉर्नर सॉरी इनर नहीं आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा प्लेस किया है और उसको अच्छे से ब्लेंड किया है जो मेरी साड़ी है उसमें हल्के हल्के से पर्पल से भी डॉट है तो मैंने इस तरह का आई मेकअप किया हुआ है देन मैंने लोअर लाइन पे भी हल्का सा जो ग्रीन कलर का आ, आई शेडो मैंने लिया है और उसको पतली ब्रश से बिल्कुल ऐसे लगा के बिल्कुल स्मज कर लिया है एंड देन मेबलिन के ही आईलाइनर से मैंने ऐसे पतला सा विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है लॉरियल के आर्टिस्ट पेंसिल से मैंने अपनी आईब्रोज फील की हुई है और पहले मैंने स्पूली से अच्छे से ऐसे कॉम करके उसके बाद जो भी मतलब एक्स्ट्रा uh, थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस इतना वो नहीं करती आईब्रो में मतलब नेचुरल सी रखती हूँ फॉलसीज में मैंने पैक uh, की एम सेवेंटी फ़ाइव ली है और इस पर ग्लू लगा के मैं ऐसे थोड़ी देर ड्राई होने के बाद इसको uh, अच्छे से अपनी लैशेज़ पे स्टिक कर लूँगी और पहले इनर कॉर कॉर्नर और फिर देन आउटर कॉर्नर इस तरह से हल्के हाथों से आराम से ये मैं लगा मतलब मैंने लगा ली है उसके बाद मैंने ये मेबलिन के येलो वाला जो मस्कारा है उससे थोड़ा सा मैंने दोनों जो फॉलसीज और वो दोनों को अच्छे से मर्ज करने के लिए लगाया है लॉरल की ही ग्लैम ब्राउन्स करके जो पैलेट है उसको मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए लिया है और मैंने अपने नोज़ ब्रिज चिक बोन्स और जैसे जॉ लाइन और फोरहेड पे हल्का सा इससे कॉन्ट्रिंग किया है और इस तरह से फेस बना के मैंने कॉन्टोर लाइन ड्रॉ की है और उसके बाद मैंने इसको ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है कंटूरिंग से जो हमारा फेस होता है वो काफ़ी पतला दिखता है चीज़ल दिखता है और फेस एक अलग मतलब अच्छी उसकी डायमेंशन आती है तो कंटूरिंग मेकअप में ज़रूर करनी चाहिए कंटूरिंग से काफ़ी फेस अच्छा लगता है देन मैंने आ, ब्लश के लिए मैंने के ब्यूटी का स्वीट सेलेमन करके जो पैलेट है वो लिया है ये जो ब्लश है इसका पिगमेंट बहुत ही मतलब नेचुरल सा है और इसका स्मूथ भी इसका जो फिनिश है वो बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही अच्छा ये रेवोल्यूशन के हाईलाइट पैलेट से मैंने अपने चिक बोन्स और नोज ब्रीज क्यूपिड बो फोर हेड चिन और आईब्रो पे लगा के जो मतलब हाई पॉइंट्स होते हैं फेस के उसको अच्छे से हाईलाइट किया है लिप शेड के लिए मैंने के ब्यूटी का एवर नाइट करके जो शेड है वो मैंने लिया है ये शेड मतलब बहुत ही अच्छा है मतलब एकदम अलग सा इसका जो रेड है वो अलग सा रेड है और अभी जो हरियाली तीज का मेकअप है तो उसमें फेस्टिव वाइब्स में थोड़ी सी रेड टोन की लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने यही लगाई है एट द लास्ट मैंने ये ग्रीन साड़ी पहनी है लाइट ग्रीन कलर की और इस तरह के गोल्डन ईयर और मंगलसूत्र पहना है और इस तरह से मैंने चूड़ियां पहनी है मैचिंग की और मैंने ज्यादा मेकअप भी हैवी नहीं रखा है और मैंने आउटफिट भी ज्यादा हैवी नहीं रखा है क्योंकि अभी जो मौसम है थोड़ा सा युमिट और गर्मी का है तो मैंने उसी अकॉर्डिंग ये मेकअप लुक किया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और फिर मिलती हूं अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ ओके बाय टेक केयर